नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंटी और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पटियाला का न्यू बस स्टैंड। चलो देखते हैं पटियाला का न्यू बस। इस ब्रिज से जाती हैं बसें बस स्टैंड के अंदर। चलो हम भी चलते हैं बस स्टैंड के अंदर। पटियाला के इस नए बस स्टैंड को दोस्तों बस एयरपोर्ट भी कहा जाता है। सबसे बढ़िया बात दोस्तों, ऑटो के लिए यहां पे अलग से है लाइन। इस बस स्टैंड के अंदर आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी लेकर आ सकते हैं, मगर सावधानी से। बस लेने के लिए यहां से करना होगा एंटर। बस स्टैंड अंदर से बना है बहुत ही खूबसूरत। यहां पे लिखा है बस कहां तक जाएगी। बस टाइमिंग के लिए यहां पे लगाएगी है LED। और ये है वो ब्रिज जिससे बसें आती हैं बस स्टैंड के अंदर। यहां पे दोस्तों बना है मोटरसाइकिल स्टैंड। और यहां पे बनी है दोस्तों बस पार्किंग। यहां पे बने हैं इंक्वायरी काउंटर। और यहां पे आप ऊपर जाके भी कर सकते हैं वेट। ऊपर जाने के लिए ये है सीढ़ियाँ और ये है लिफ्ट। ये बनी है बस स्टैंड की शॉप्स। फिलहाल तो यहाँ पे दो ही शॉप खुली है।
नए बस स्टैंड पे आए हैं और हम देखते हैं, चलो जैसे ऑटो वाले भैया मेरे पीछे देख रहे हो आप, ऑटो वाले खड़े हैं काफ़ी, इनसे पूछते हैं कैसा रिस्पॉन्स है बस स्टैंड का। ऑटो वाले पुराने भाई जी, सत श्रीकाल भाई जी, की नाम है भाई जी थोड़ा? संतोष सिंह भाई। संतोष सिंह जी, ए दसो सानू भी ये बस स्टैंड जो नवा बनिया, जी हाँ जी, ए ओ पुराने वाला बस स्टैंड वधिया सी जा ए वधिया थोड़े वास्ते? वधिया भाई जी, किवें वधिया जी? ओह ए वधिया भाई जी, देखो गरीब आदमी दा सारा ढिड भर रहे ने। अच्छा जी, सारे नु बराबर मिल रहा जी। ठीक है जी, पूरे कोई काउंटर नहीं हैगा जी। ओ ठीक है जी, हां जी, पूरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब इथे कोई यूनियन वाला सिस्टम वगैरह कोई है नहीं? ना जी, यूनियन वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ते अंदर बस स्टैंड मतलब किवें सवारियां नु बैठण नु थां जिवें भी है कोई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिवें जिवें अगे अगे जाई जाऊगा ओवें ओवें मतलब वधिया बणी जाऊगा? वाला है भाई, इथे दिक्कत आ जांदी जिवें हुण सवारियां नंबर वाइज जांदियां गड्डियां। अच्छा, नंबर लगदियां जिवें गड्डियां नु तीन तीन चार चार घंटे लग जांदे आ। अच्छा, बप्पा दा टाइम लगदा, नंबर लगदा जरूर है जी, पर नंबर लगदा पर टाइम बहुत लगदा, 6 घंटे 7 घंटे, क्योंकि ऑटो दी वारी आंदी, गला रखे ने लोकल एवें, जिवें बसां इह बंद हो जांदे ना लोकल, फिर तां सानू बहुत फायदा हो जांदा। अपनी बसां बंद हो जांदियां फ्री आधार कार्ड दा जांदी सवारी। हाँ, एक थोड़ी जी दिक्कत भी है कि जड़ा आधार लेडीज वाला आधार कार्ड आओ दी उनको लेकर के सवारी लेडीज है, सारी लेडीज है, मेरी सवारी ज्यादा देखो, सारे बसौरे खड़े भी हैं, लोकल लोकल सारे फ्री हैं, एक जेडी सवारी के बैग जाती है अपना ऑटो और 6 5 6 घंटे में वारी आती है। अच्छा, मतलब थोड़ा यह है कि जिमें एक अगला ऑटो भरेगा तो थोड़ी वारी आएगी? मेरे का चला गया वो 4 5 घंटे भाई, देखो लाद दिया सानू मोरे बसा ला, देखो पीछे बसा, देखो बड़ियां गड़ा देख के, वो देखो गड़ियां बसा 10 10 रुपए सवारी लेंदे हैं, साडा की किथे जावांगे असि भाई जी, कल खड़े रहे हैं, बसा सरकार बस चल रही है, कई बंदे नु खाली 1 घंटे बाद भरी है, मेरा सवेर तो लेके हुण तक 300 रुपए बचे हैं किराया, वो मोरे नहीं करी है गड्डी का किराया, गड्डी नंबर पहला नंबर है गड्डी का। नहीं, जिवें भाई जी कहने कि ये बस स्टैंड वधिया उत्थों नालों फिर लोकेशन वधिया बनी पई है, कहने का मतलब उहदे नालों ये वधिया बणिया पिआ, सोहणा बणिआ पिआ, ओह सोहणा तां बणिआ, सोहणे नूं आपां की करांगे, रुजगार ही खतम, मतलब जिहड़ी तुहाडी डेली दी एवरेज दी ओह घट गई, खतम हो गई, रुजगार ही साडा खतम होया पिआ जी, की करांगे। आप पुछो भाजी नूं, देखो किवें किवें ही बस स्टैंड, दसो बस स्टैंड दा हाल बुरा ही है, इन्ना बुरा हाल है, तुसीं आप ही देख लो किन्नी नंबर, देखो मेरे किवें लग्गिया मेरा पूरा नंबर, ठीक है जी, बस वाले जिहड़े हुण फ्री कर रहे ने 10 10 रुपए सवारी चक रहे ने, ओह की करांगे दसो ऑटो वाले, सही गल, बाकी ना तुसीं देख लो यार भाई, बसां जांदे ने भर भर के, ठीक है जी, ऑटो वाले दी ते बैटरी वाले दी वारी नहीं आंदी हैगी जी, आंदी भी आ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੇ 300 ਵੱਟਿਆ ਕਰਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਇੱਕ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟੋ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ 20 40 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਆਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਦਾ ਆਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਐ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਜੀ ਬਸ ਆਵੇ ਭਾ ਕੇ ਆਈ ਐ, सारी लेडीज सवारी अंदर है, आधार कार्ड वाली आधार कार्ड बंद होने सवारी साडी लेडीज होंदी है, सारी सारी जनानियां भाई नंबर 100 बार बणी है, बंदे दा किराया दा ऑटो खाली खड़े पे 3 4 घंटे बाद बणी, 4 सवारियां बैणियां, अगले कहंदे 10 रुपए देवांगे, 10 तों वध देंदे नहीं, 40 रुपए कित्थे लैके जावांगे ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, 20 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 80 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। और सबसे जरूरी बात ये कि यहाँ से आपको हमारा हरे कृष्णा शिक्षा केंद्र पड़ेगा बहुत ही नज़दीक, आप जब भी संडे को आएँ तो हमारे हरे कृष्णा शिक्षा केंद्र में ज़रूर आएँ, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरे को लग रही है बहुत ही भूख, हम चलते हैं वर्धमान रसोई पे, जो कि है यहाँ से कुछ ही दूरी पे। हम पहुंच गए हैं दोस्तों वर्धमान रसोई पे, जहां पे आपको 10 रुपए में थाली मिलती है और जिसकी टाइमिंग है 12 बजे से 3 बजे तक। जो कि है पटियाला के नए बस स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक। आप जो सामने देख रहे हैं वो है पटियाला बस स्टैंड का ब्रिज, जिसके ऊपर से होती हुई बसें बस स्टैंड में एंटर हो रही हैं।
ये है वो रास्ता जो जाता है पुराने बस स्टैंड की तरफ। वर्धमान रसोई में वीडियो बनवाने की परमिशन नहीं मिलती, इसीलिए खाना खाने के बाद हम जाएंगे सीधा घर। लो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने घर। भाई बस स्टैंड तो बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ी दिक्कतें हैं लेकिन जैसे हमने ऑटो वाले भाई से पूछा, वो कह रहे सवारी की दिक्कत है। जैसे जैसे बस स्टैंड तैयार होता जाएगा वैसे वैसे बस स्टैंड में सुधार होते जाएंगे। आपको बस स्टैंड कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।